सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। और आज तो मेरा सबसे स्पेशल दिन है क्योंकि आज है मेरा बर्थडे, जन्मदिन। आज है 26 जनवरी। बाय द वे, ये व्लॉग लेट आ सकता है, सो मैं डेट इसलिए पहले ही बोल दे रहा हूँ कि आज 26 जनवरी है और आज मेरा जन्मदिन है और आज रिपब्लिक डे भी है। सो आज मेरा सबसे स्पेशल दिन है, तो आज का व्लॉग इज ऑल गोना बी अबाउट मी। या सो अभी हम जा रहे हैं, सबसे पहले नहा धो के पूजा करके मंदिर, हनुमान सेतु, लखनऊ का वन ऑफ द मोस्ट फेमस मंदिर है, वहाँ पर जाके हम करेंगे दर्शन हनुमान जी के, एंड उसके बाद बाकी सारे काम होंगे। तो फिलहाल अभी हम जा रहे हैं हनुमान सेतु मेट्रो से, और मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने अपने लिए क्या ख़रीदा इस बार बर्थडे पे। एक्चुअली मैंने नहीं ख़रीदा, मॉम ने गिफ्ट किया है, सो लेट मी शो यू। सो ये ख़रीदे हैं मैं, मॉम ने मेरे लिए शूज़ रेड टेप के, एंड लेट्स चेक आउट। अभी तक मैंने इन्हें पहना नहीं है एंड मुझे तो शूज़ काफ़ी अच्छे लगे गाइस, तो आप बताइएगा कि आपको ये कैसे लगे। ये है शूज। सो अब मैं हो गया रेडी, फाइनली शूज फाइनली हैं और अब हम निकल रहे हैं मंदिर की ओर। सो आपको मैं कराऊंगा हनुमान सेतु का दर्शन आज। सो फाइनली मेट्रो आ चुकी है। हैप्पी बर्थडे भैया। थैंक यू। अब फाइनली अब हम लोग आ चुके हैं मेट्रो स्टेशन, अपने डेस्टिनेशन मेट्रो स्टेशन पर। अब यहाँ से हम लोग सीधा जाएंगे मंदिर, थोड़ा सा वॉक करना पड़ेगा बट ठीक है, आपको मैं दिखाऊंगा। मंदिर काफ़ी सुंदर है एंड शाम के लिए तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि सारे फ्रेंड्स आने वाले हैं बर्थडे पर, सो वो भी मैं शूट करूँगा, आपको दिखाऊँगा। बोलने के लिए नहीं बोल रहा एंड
अब हम घर जाएंगे, शाम की प्रिपरेशन करेंगे क्योंकि शाम को मेरी बर्थडे पार्टी है और काफ़ी लोग आ रहे हैं एंड खाने की प्रिपरेशन करनी है एंड बाकी सब चीज़ें भी देखनी है। अब हम लोग जा रहे घर के और बस आ गए मेट्रो स्टेशन। तो मेरे बर्थडे के इस पावन पर्व में क्या बोलना चाहोगे? बताइए बताइए बोलिए। आजादी से जियो, आजादी से रहो, आजादी से खाओ पियो, सबको आजादी से खुशी रहो, उसमें खूब एंजॉय करें। मैं किसकी आजादी रोक रहा हूँ? नहीं खेलने दीजिए, तुम कंटिन्यू करो। मैं क्या बोलूं, मुझे एक अलग रखना। तो ये केक तुम्हारे लिए तो है? नहीं नहीं, वो चॉकलेट वाला तुमने सब खत्म कर दिया। चॉकलेट यार बच्चे खाते, बड़े लोग ये खाते हैं। चॉकलेट वाला इसे खा दिया? बोला था रात में कि मैं दूंगा ना, और फिर इसके बाद खा डाला। तुम्हारे बर्थडे का तो, तुम्हारे बर्थडे का तो कोई केक नहीं मिला भाई, उसका क्या? अरे बोलिए सर कुछ। मैं क्या बोलूँ, अब ये आरती है ये थाली, इससे मेरी आरती उतारी जाएगी। अच्छा, ये टीका लगाया जाएगा। आज मेरे लड़के के बर्थडे हैं इस पावन मेला पे, पावन मेला पे। और ये केक मैं काटूंगा और तुमको छोटा भी दूंगा सबसे, और उसके बाद खाना पीना होगा और तुमको सबसे कम दूंगा उसमें भी। हाँ तो तुम मुझे पैसे दे रहे हो ना कैमरामैन के लिए? हाँ पैसे तो मैं दे दूंगा भाई। और वैसे तुम्हें देख के ऐसा लगता है जैसे तुम 1000 रुपए की टिप अपने बर्थडे पे दो। पैसे कितने? 1000 रुपए की? 1000 रुपए। आशीर्वाद दीदी देखे मन से तो है बहुत सारा आशीर्वाद। अच्छा बढ़िया स्वास्थ्य हो, नीला कम कलर कर देते हैं ना, मनु सब ना बुझाना, एक छोड़ देना। काहे ये छोड़ दी जाती हो ना, जल्दी रहने चाहिए। इसको भी लगा दे, इधर देखिए थोड़ा, इधर फोटो वैसे नहीं आएगी ना, वीडियो बनाएगा। हाँ वीडियो बनाएगा, सारे पैसा कमाना जी, इज्जत भी, शोहरत और जिसमें से कुछ शेयर्स मेरे भी हैं। लेबर चार्ज, कैमरा मैन, एक इंसान खुश दिल इंसान बनना, और क्या, बहुत अच्छी बात। इंसान अच्छे बनो, पैसे अपने आप मिलने लगेंगे। दिल खूब बड़ा करना, इसका जरूरत नहीं है, तुम भी ले लेना। भाग्यवानी हूँ, सब पे को मानने गुणने हूँ, पैसा कमाना हूँ, बुद्धिमानी हूँ, जब बुद्धि आउँछ तब पैसा आफ्नो हातमा, लक्ष्मी सीधा टक टक। इधर इनका फेस नहीं आ रहा ना, दीदी का आया था? नहीं नहीं आया था इनका, मतलब ये देख ही थी। इधर इधर भी देखो, किधर देखो, खुश रहो, अब एक ही तरफ से और उस और वृद्धि हो रही है। धन मन, चलो काटो मनु, वो एक मोमबत्ती रहने देना, लगा लगा। अब दूसरे में, ओए इधर।
तू इधर बैठ, इधर बैठ, इधर से लेना। केक कटने वाला वो मरा है। आई आई शेमा, शेमा आई। अरे आई आई, दो मिनट के बस, दो गैस कम करके आ जाइए। चलिए, अरे हटो, अरे आ जाइए ना, आ जाओ, खड़े हो जाओ, धीमे आंच करो, खड़ी हो जाओ, बस आ जाइए। ताली वाली ये फल, ये समय फिर दोबारा नहीं आएगा, फिर खा जाएगा। बैलून तो लगा नहीं, नहीं तो नहीं, बैलून ना बच्चे। अब ये सारे किसका भरोसा, कौन कहाँ पे रहे। सही बात है, ये पल इसको मैं अपने पसंद का लिया हूँ, ये वाला इसका चॉकलेट पसंद है। लिया पहले मैं खिलाऊंगी, पहले मनु तो काटा तो मैंने पहले, इससे कुछ नहीं होता। पहले वो खिलाएगा नहीं आपको, उसका बर्थडे है, माँ खिलाएगी। दे तो सभी खा गया। तो क्या तुम एक ही उसमें सबको बांट? अरे यार नहीं है, उसको खिला तो दो। बर्थडे बॉय नहीं, केक खराब कर दूँ। मैं तुम्हें कब खिला दूँ? बहुत पैसे लगा दूँ। तेरे को खिला? हाँ हाँ। इसको भी खिला? ये सबसे ज़्यादा उसका नाम लगता है। खिला दो। उनको भी खिलाओ। एक बार और करूँ आप इतना पतला काटे, ये तुम उसे आओ। अरे उसको खिलाना चाहिए पहले कि हम अल्लाह खिलाए। मैं दूसरा खिला, देख के मैं थोड़ा सा देना भैया, काम कर रहे हैं। अरे पूरा खाई नहीं यार, बहुत बड़ा है मनु। मेरे घर में कौन बच गया? नहीं खिलाया बस करो था भाई, कितना हो गया भाई। मेरे को कुछ नहीं मिला, इसने वादा किया था कि केक दूंगा, उसने कुछ नहीं दिया। ये बहुत मुश्किल से मिला है, ये भी खत्म भी हो गया। कितना खाओगे? बर्थडे पार्टी देनी है तो ये सब बोलोगे क्या? कितना कम खाओगे? कितना कम खा रहा है भाई, थोड़ा ज्यादा खा। बहुत बढ़िया रसगुल्ला, बहुत ज्यादा अच्छा। किसने बनाया? मौसी जी ने बनाया, जान रहे हो? गीतू मौसी ने बनाया। गीतू मौसी, बस अब हो गया। ग्रेट गीतू मौसी। तो फाइनली बर्थडे हो चुका कंप्लीट, और मैं और यथार्थ आए थे बाहर थोड़ा ड्राइव पर। As you can see, ये कार में बैठे हम लोग। बताया भाई कैसा लगा बर्थडे में मेरे, मजा आया? हाँ मजा तो आया, बस टाइम थोड़ा कम मिला। क्या टाइम कम मिला? मतलब यार पार्टी 6-7 घंटे की होती है, सारी रात होती, तो कुछ मजा भी आया, डांस नहीं हुआ। ये चाह रहे थे कि लौंडा नाच हो पार्टी वहाँ पर, है? नहीं सिर्फ लौंडा ना हो, और भी कई सारा हो। अच्छा, ट्रांसजेंडर वगैरह चाह रहे थे? नहीं, ट्रांसजेंडर के बाद जो आता है वो भी मैं चाह रहा था। ठीक है यार, क्या ही बता, घर की पार्टी होती है भाई, अब सब पूरी सब्जी ये सब खाने को था, कहाँ कोई डिस्को नाइट हो थोड़ी ना करते कि 6-7 घंटे पार्टी, फिर आफ्टर पार्टी दारू बियर ये सब चले गए। अरे भाई घर की पार्टी है तो भाई ये अरेंज करना चाहिए, पनीर की सब्जी, छोले की सब्जी, ये सब पार्टी थी भाई हमारी, ये सब अरेंज करना चाहिए था ना तुम्हें, अरेंज करना चाहिए था ये सब। और देव भाई कौन सी दवा ले रहे थे, इतना टाइम लग गया तुमको? मंथली दवा भाई, ये देव हमारे
प्रो ड्राइवर हैं, यही हमारे राइडर हैं, हर जगह लेके जाते हैं हमें। कैसी लगी भाई देव तुमको पार्टी? बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा। देखो देव, देखो यार यथार्थ थोड़ा सीखो देव से, उसको कितना ग्रेटिट्यूड है। उसने बोला बढ़िया, और तुम कमी निकालने पे पीछे पीछे नहीं। वो तो वो इसलिए कह रहा है क्योंकि वो तुम्हारा मन रखना जानता है। हाँ बस कर दी ना सांप आस्तीन के सांप वाली बात, यथार्थ नहीं सुधरेगा कभी। अब बोलो क्या बोलूं? बाय। चलो यथार्थ भैया जा रहे हैं। Yeah, rider. ध्यान से जाना बे। गिफ्ट आप देख ही सकते हैं, इतनी चॉकलेट्स मिली हैं मुझे, किसी बच्चे को भी शायद इतनी चॉकलेट ना मिले।